खबर महाराष्ट्र के अहमदनगर से है, जहां पर प्रशासन ने अवैध खनन करने वाले 40 वाहनों पर कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार जो है अहमदनगर जिला शिवगांव के तहसीलदार और तालुका मजिस्ट्रेट छगन राव वाघ वित्तीय वर्ष के दौरान रेत के 20 वाहनों और अन्य वाहनों पर कार्रवाई की, जिस पर 98 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और 17 वाहनों पर 41 लाख रुपये की वसूली कर भुगतान किया गया। दिए हुए निर्देशों के अनुसार ये साल में यानी कि 1 अप्रैल 2023 तो एक ये 30 जनवरी 2023 इस कालावधि में ये कार्यालय की तरफ से आज तक 40 वाहन अवैध वाहन वाहतूक करने वाले वाहन को जब्त किया गया है और उसका रकम रुपये 98 लाख का उसे भुगतान दंड किया गया है और 17 वाहनों ने 41 लाख जमा किया है शासन में। ये सब कार्यवाही अपने भरारी पथक नियुक्त भरारी पथक और नायब तहसीलदार नियंत्रण अधिकारी के द्वारा